ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज का वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा एनबीसीसी इंडिया क्या करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, ऐसी चीजें। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, बिजनेस एनालिसिस देखेंगे, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये सब देखेंगे। उसके बाद चलेंगे फंडामेंटल्स पे, फिर टेक्निकल्स पे, और ऐसे करके वीडियो का फॉर्मेट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस से। तो सबसे पहले समझते हैं एनबीसीसी का फुल फॉर्म, क्योंकि इसी से आपको इसका बिजनेस समझ में आ जाएगा। इंडिया से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पीएसयू कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट की कंपनी है, आप ऐसे समझो। और एनबीसीसी का मतलब, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो गूगल पे एनबीसीसी, तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एनबीसीसी, मतलब ये कंपनी बिल्डिंग बनाती है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। अब इसका प्राइस आप देखो 33.2 है। ये तो हमने समझ लिया एक ओवरव्यू बिजनेस की, ये कंपनी बिल्डिंग्स बनाती है। हम कुछ इसके बिल्डिंग्स भी देख लेते हैं और ये कंपनी और क्या क्या करती है वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कुछ बिल्डिंग के फोटोज आपको दिखते रहेंगे, मैं नीचे स्क्रॉल करते जाता हूँ। ये देखो एक बिल्डिंग का फोटो है, यहाँ पे जगह का भी नाम लिखा हुआ है, भारत वंदना पार्क और न्यू दिल्ली है ये। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक कुछ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद ये कुछ बिल्डिंग्स है, उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो गाइस एरियाज ऑफ बिजनेस, ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा बनता है, मैं आपको आज बता देता हूँ, ये जो पूरा बनता है आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है ये एक ओवरव्यू ही है, और ये जो पूरा है ये आपको कहाँ से पता चलेगा इसके बारे में डिटेल में, तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरियाज ऑफ बिजनेस, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या रेवेन्यू आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी, और उसके बाद यहाँ पे पूरा आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ईपीसी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, यहाँ पे ये तीन हुआ। फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना करोड़ का कंसोलिडेटेड है, और यहाँ पे टोटल इनकम लिखा हुआ है, सब्सिडीज कुछ है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, ज्वाइंट वेंचर सब्सिडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, फॉरेन कोलैबोरेशन, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, और उसके बाद ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे 370 पेज का है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्डिंग्स कुछ दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो ये एट दुबई है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये त्रिपुरा में है, उसके बाद ये आप देख सकते हो नोएडा में है, ये सिलिकन सिटी एनबीसीसी आम्रपली, यहाँ पे ऐसे करके कुछ है ये कंटेंट है। फिर यहाँ पे देखो एक और बिल्डिंग है देहरादून में, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फोटो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग्स है क्या। ओके, सो यहाँ पे एक बिल्डिंग है मालदीव्स में, मतलब ये इंडिया में नहीं बाहर भी काम करती है। फिर यहाँ पे एक मॉरिशस में है, फिर ये एम्स देवघर झारखंड में है, उसके बाद ये उत्तराखंड में देहरादून में। तो यहाँ पे ये फोटोज आपको और शायद नीचे होंगे। तो यहाँ पे ये जो है रेवेन्यू, डिविडेंड इनकम, रेवेन्यू बाय ऑपरेशंस, आपको ये पूरा डाटा जो यहाँ पे मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ये सबको हम यहाँ पे जाकर के देखेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक जगह पे सब कुछ रहता है तो थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई थी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी ये लिखा हुआ था, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट रियल एस्टेट ये तीनों लिखा हुआ था। अब यहाँ पे एक बार आप देख लो रेवेन्यू स्प्लिट, यहाँ पे पीएमसी में, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी, इसमें यहाँ पे 93%, यहाँ पे थोड़ा पुराना डाटा है, 93% था पहले ये 2018 में, ये 88% था, जो कि अब ये 93 हो चुका है, और हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो क्योंकि ये 21 का ही डाटा है। ये 93% है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू इसका आता है, परसेंटेज रेवेन्यू का परसेंटेज इसका आता है पीएमसी से। रियल इस्टेट से 2% आता है, जो कि पहले 1 था अब 2 हो गया, और ईपीसी से पहले 11 था 5 आता है, मतलब ईपीसी जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है ये कम कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या क्या है आप वो देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सिविल सेक्टर, और यहाँ पे और देख सकते हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब कुछ। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें होती है, जैसे टावर्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स और चिमनीज, कूलिंग टावर्स, ये सब कुछ। उसके बाद रियल इस्टेट में आप देख सकते हो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सच एज अपार्टमेंट, टाउनशिप, और इसका हमने फोटो भी देखा था एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का। एक सेकंड मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये रेसिडेंशियल है क्या, एक सेकंड ऊपर था एक, सो नोएडा में एक था ये वाला आप देख सकते हो।
सिलिकॉन सिटी यहाँ पे प्रोजेक्ट है नोएडा का, उसके बाद यहाँ पे कोई टाउन हॉल टाइप का है जो कि यहाँ पे रेसिडेंशियल में लिखा हुआ है सब कुछ, जैसे यहाँ पे टाउनशिप यहाँ पे रेसिडेंशियल में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे फोटोज भी आपने देख लिया, आपने यहाँ पे देख लिया इसका बिजनेस क्या क्या है, रेवेन्यू स्प्लिट क्या है। अगर आगे आप जाओगे तो आपको ऑर्डर बुक भी दिखेगा, फॉरेन कोलैबोरेशन भी दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशंस भी दिखेगा, मतलब क्या क्या कंप्लीट हुआ है कहाँ कहाँ पे और आने वाले टाइम में क्या क्या कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन भी दिखेगा, यहाँ पे कुछ पीएम सेगमेंट में कुछ एक्सटर्नल कस्टमर आने वाले हैं और कुछ होगा, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको फोकस और यहाँ पे लाइबिलिटीज ये सब कुछ आप देख सकते हो अपने से। मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया, कुछ बिल्डिंग्स आपको दिखा दिए कि ये एक्चुअली क्या काम करती है, बिल्डिंग बनाती है, कैसे बिल्डिंग्स बनाती है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब गाइस अगर आप मार्केट कैप को देखो तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे हमारा बिजनेस एनालिसिस खत्म होता है, अब फंडामेंटल्स में आ रहे हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहली चीज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप 5900 मतलब 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप इसे मिड कैप भी नहीं कह सकते और माइक्रो कैप भी नहीं कह सकते, स्मॉल कैप टाइप है, आप इसे कह सकते हो स्मॉल कैप। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो ये काफी कम है, मतलब 33 के आसपास है। हाई लो की बात करें तो आप यहाँ पे हाई लो देख सकते हो। पीई यहाँ पे 16 का पीई है, बुक वैल्यू यहाँ पे 9 रुपीज के आसपास का है, 9.82। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 1.4% है। ROC 23%, ROE 16%, ठीक ठाक ROC ROE है। डेट टू इक्विटी आप देखो जीरो, मतलब कोई भी डेट नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है डेट का, मतलब जीरो डेट यहाँ पे, 0.01 या ऐसा भी कुछ नहीं है, पूरा जीरो है। प्रोमोटर होल्डिंग, पूरा प्रोमोटर होल्डिंग अपने पास है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेज्ड किया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे डेट जीरो है। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी 25.8, मतलब इंडस्ट्री पी यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पीयर्स में जाकर के देखना होगा इसके कंपटीटर कौन है। कंपटीटर आप यहाँ पे देख सकते हो DLF और यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी, फिर यहाँ पे ओबेरॉय जो है 5-स्टार होटल्स होता है आपको पता होगा, तो ये सब इसका कंपटीटर है। और यहाँ पे चार्ट में जाकर के देखते हैं, अगर हम पी का चार्ट देखें तो अभी पी का चार्ट कैसा है, तो यहाँ पे पी अभी काफी नीचे आ चुका है, मतलब इसका मीडियम पी होता है अराउंड 29 के आसपास, 5 साल का नहीं, हम 3 साल का देखते हैं। सो यहाँ पे देखो 3 साल का मीडियम पी 27 के आसपास है और ये उसके नीचे है, और ऐसे भी 16 का पी काफी कम है। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अब क्वार्टर्स में, बीच में हम सब कुछ स्किप करते हैं एनालिसिस और ये सब कुछ, पीयर्स मैंने आपको बता दिया, क्वार्टर्स में चलते हैं। क्वार्टर्स में गाइस अगर आप देखो तो दिसंबर 2022 मतलब रिसेंट क्वार्टर को हम कंपेयर करने वाले हैं दिसंबर 2021 एज वेल एज सितंबर 2022, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन दोनों को, 21 और 22 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सितंबर और दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर आप सेल्स की बात करो तो सेल्स यहां पे तीनों बार इंक्रीज हुआ है, मतलब सितंबर दिसंबर टू दिसंबर इंक्रीज हुआ है, एक साल में तो इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे सितंबर में भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लो, 72 था, उसके बाद यहाँ पे 88 हो गया, अब 95 है, इंक्रीजिंग है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आ जाते हैं परसेंटेज पे, तो ऑपरेटिंग परसेंटेज 4% था, फिर यहाँ पे 4 सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 87 था, ये नेट प्रॉफिट है, 117 था 2021 में, अभी घट करके ये 95 के आसपास हो चुका है, और ये 131 हो गया था, मतलब सितंबर में ये काफी इंक्रीज हो गया था और ये ऑल टाइम हाई पे था सितंबर में, और अभी ये घट करके 95 पे आ चुका है, जो कि कम भी नहीं है, बट हाँ रेस्पेक्ट टू 131 ये बहुत कम है। अब गाइस आगे बढ़ते, बहुत कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक कम है। उसके बाद आप ईपीएस देख सकते हो, यहाँ पे बीच में नेगेटिव ईपीएस हो गया था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी वही हाल है। अब गाइस एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे सेल्स इंक्रीजिंग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट में आकर के ये डिक्रीजिंग में चला जा रहा है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, अदर इनकम में आप अगर देखोगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सो एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे इस जगह पे आप देखो -54 है, इसी वजह से ये जो है काफी कम हो चुका है। और यहाँ पे अदर इनकम जो है, जो कि 50 के आसपास ही रहता है, वो इस बार भी 50 के आसपास ही है, और ये दोनों जो है मिलजुल करके कट होकर के यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आ गया है, मतलब यहाँ पे 56-54 2 हुआ, 2 और डिप्रिसिएशन का 1, 2-1 1, तो यहाँ पे अदर इनकम 1 हो चुका है, जबकि दिसंबर 2021 में ये 47 था और सितंबर में ये 44 था। तो इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 होने के बावजूद, जो कि ऑल टाइम हाई है, आई थिंक यस ऑल टाइम हाई है, अभी तक कभी भी अचीव नहीं हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कम हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखो, सेल्स पहले 4000, फिर 4300, 5800, 7000, 8000, 9000, फिर यहाँ पे घट गया थोड़ा सा, 6000 तक आ गया, फिर 7000, फिर 8400. यहाँ पे पिछले मार्च 2022 की बात करें, मार्च 2022 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इंक्रीज हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है. अदर इनकम में यहाँ पे माइनस में चला आया है, जो कि 200 के आसपास होता है. यहाँ पे आप देखो 200, 200, 180, 121, अब यहाँ पे नेगेटिव में आ चुका है वो. और डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो 5 का ही है, तो ये सब मिला जुला करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इससे कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक -27 आ चुका है. और इसी वजह से जो है पिछले बार से इस बार में जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो. एक सेकंड, ये है बैलेंस शीट. बोरिंग साहब देखो 12,600 था और उसके बाद जीरो अभी 1 दिखा रहा है, मतलब जीरो के बराबर ही है ये तो. फिर यहाँ पे कैपिटल वर्क अंडर प्रोग्रेस आप देख सकते हो 5 करोड़ का है. ये जो सारे नंबर्स ये करोड़ में है. फिक्स्ड एसेट रिजर्व्स आप देख सकते हो, रिजर्व्स काफी अच्छे रिजर्व्स हैं. टोटल एसेट तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, अब ये सब कुछ देख सकते हो बैलेंस शीट. रिजर्व्स अच्छे रिजर्व्स हैं. फिर CWIP भी ठीक ठाक है, मतलब अब एक्सपेंशन होगा तब ये इंक्रीज होगा CWIP. उसके बाद यहाँ पे बोरिंग्स कम है, तो ये अच्छी बात है. बैलेंस शीट एक अच्छी बैलेंस शीट मैं कह सकता हूँ. रेशियोज की बात करें, सॉरी इन्वेस्टर्स की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पे हम लोग समझते हैं कि किसके पास कितने शेयर्स है. क्या प्रोमोटर शेयर को बेच तो नहीं रहे, या फिर क्या DIIs या FIIs इसमें इंटरेस्टेड नहीं है. क्योंकि DIIs और FIIs अगर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसका मतलब वो आगे कुछ नहीं करने वाला वो कंपनी, या फिर बहुत कम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है, उतना रिटर्न्स नहीं देने वाला है इसी वजह से. और स्मॉल कैप में तो हम लोग थोड़ा और देखते हैं इन चीजों को. अब प्रोमोटर्स में गाइज आप देखो 61% है और वो कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लो प्रोमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम सबको पता है. मैंने जैसे आपको बताया ये PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर्स हैं और वो तो बेचेंगे नहीं, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट ही रहता है. और आप देख भी सकते हो इस चीज को. FIIs की बात करें तो FIIs में आप देखो यहाँ पे 5.8, फिर यहाँ पे 2 हो गया था, 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ. इंक्रीज होते होते अभी ये अराउंड ठीक पोजीशन पे ही है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है आप कह सकते हो. 3.36% ठीक ठाक है, मैं उतना भी कम नहीं कहूंगा. बट DIIs का परसेंटेज अच्छा है, 11% के आसपास है. पहले 13 था, फिर 11 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हुआ, और अब ये इंक्रीजिंग में ही है. पहले आप देख सकते हो 10.78 था, फिर 4.6 हो गया, फिर यहाँ पे 9.0 हो गया है 11% के आसपास. और DIIs में अगर आप देखोगे तो DII में कौन कौन है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो 6.55%, फिर यहाँ पे एक दो और है, यहाँ पे 2%, तो 10% इनके पास है. पब्लिक में आप देख सकते हो 24% है. पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग थोड़ा ज्यादा है, आप यहाँ पे देखो 19 था पहले और ये 24 हो गया, बट ठीक है. DIIs के पास भी ऐसा नहीं है, बहुत कम है, मतलब पब्लिक के पास है बट DIIs के पास भी है. और यहाँ पे PSU बैंक है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम PSU में तो नहीं जाएंगे, और बहुत लोग PSU ही खोजते हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है सबका. इसके बाद अगर आपको, फिर से वही बात मैं बोलूंगा, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-21 अगर आपको एनुअल रिपोर्ट रीड करना है, कॉन कॉल्स रीड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा फ्रॉम BSC, और यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप इनको रीड कर सकते हो. यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हो, बहुत कुछ आपको यहाँ पता चलने वाला है. इसके बाद गाइस चलते हैं, फंडामेंटल्स तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, अब चलते हैं टेक्निकल्स में. टेक्निकल में आप यहाँ पे देखो, अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे चलते हैं, सबसे पहले तो चार्ट में अगर हम पीछे जाए तो आपको यहाँ पे एक बहुत हाई दिखेगा, जहां से ये बहुत डिक्रीज हुआ है, मतलब बहुत नीचे आया है. तो ये जो लेवल है ये अराउंड है 143 के आसपास का, 143-142 इसी के आसपास का ये लेवल है. तो ये 140 के आसपास का लेवल है, लेकिन इसे हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ये लेवल बहुत पहले का है और साथ में इसके बाद हमारा काफी सारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है. तो अगर आप बोलते हो कि ये अभी कितना है 33 पे, 33 से ये डायरेक्ट 140-150 जाएगा और हमारा पैसा 5 गुना हो जाएगा, तो ऐसा मैं बोलूंगा हो सकता है, बट अभी तो नहीं होने वाला फिलहाल के लिए. मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक साल में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है. हो सकता है आगे बहुत टाइम बाद, मतलब हो सकता है 5 साल बाद या 3 साल बाद ये वहां तक पहुंच जाए, बट अभी हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे सबसे पहले. तो आप यहां पे देखो, रिसेंट इसका जो हाई है वो इस जगह पे है, कुछ इस जगह पे, और एक सपोर्ट आप इसको मार्क कर सकते हो कुछ इस जगह को. क्योंकि आप देखो, सबसे पहले तो यहां पे देखो सपोर्ट था, ये देखो यहां पे एक, इसको नहीं इसको लेते हैं, यहां एक, यहां दो, यहां तीन, यहां चार, फिर ये ब्रेक हो गया. ब्रेक हुआ तो बहुत फॉल आया, फिर यहां पे रुक गया, इसके बारे में आगे बात करेंगे. उसके बाद ये फिर से अप्रोच किया एज अ रेजिस्टेंस लेवल,
तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये ऊपर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये जो है पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये है हमारा पहला लेवल। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले थोड़ा। ओके, अब आगे देखते हैं। तो एक लेवल आप यहाँ भी देख सकते हो, एक सेकंड मैं लाइन क्रिएट करता हूँ एक, कुछ इस जगह पे आप देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो एक बहुत कंसोलिडेशन का एरिया था यहाँ पे, जहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था ये लाइन। उसके बाद ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे देखो एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, फिर यहाँ पे एक दो सपोर्ट है, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस टाइप का बन गया। आप देखो, मैं जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा, आपको अच्छे से दिखना चाहिए ये चीजें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो तीन, फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर नीचे चला गया, तो यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक किया बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हमने तीन लेवल सा ड्रॉ कर दिया है, तीन या तो। ओके, सो यहाँ पे हमने तीन लेवल ड्रॉ कर दिया है। अभी जो प्राइस जहां पे है, मैं सबसे पहले से थोड़ा डिलीट ही कर लेता हूँ, साफ हो जाए थोड़ा। अब गाइस, अभी जहां पे प्राइस है, अगर आप देखोगे पहले कुछ इस जगह पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे कप बना था, फिर यहाँ पे एक हैंडल बना था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ था, जिसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल ने इसका टारगेट अचीव नहीं होने दिया। अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ा कैंडल भी बना था यहाँ पे, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे फिर से फंस गया यहाँ पे, और टारगेट अचीव नहीं हुआ इस रेजिस्टेंस के वजह से। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो अभी क्या सिनेरियो बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक और कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न आप कह सकते हो बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे देखो कुछ इस तरह से, कि ये एक इस तरह से आया, फिर इस तरह से हुआ, फिर कुछ इस तरह से, और फिर इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, या फिर अगर आप इसे एक कप लोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न, आपको जो कहना है आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप कह सकते हो इस चीज को। और यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा, अभी ये ऊपर नहीं गया है, हो सकता है ये ऊपर ना जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये ऊपर जाने ही वाला है और इसे जाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अगर ये ऊपर गया और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो इसके बाद इस जो भी ये लेवल है, जो भी ये एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, इसके ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। बट ये भी दूर की बात हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म पे, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को कहां तक क्या पोजीशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये पूरा तो आप पे डिपेंड करता है, कि ये लाइन में बना ही देता हूं, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि मैं कोई भी रिकमेंडेशन तो नहीं देने वाला। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अंतर पता चले। ओके, सो अब गाइस, अगर आप देखो तो यहां पे ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, और मैं इसे जूम करता हूं तो आप यहां पे फिर से देखो, यहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप आपको पैटर्न दिखेगा। एक सेकंड, ओके, सो आप यहां पे देखो, अब आपको काफी साफ दिख रहा होगा यहां पे ये जो दो कैंडल है, दो कैंडल, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जब भी डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो उसके बाद रिवर्सल आ जाता है और एक अप ट्रेंड पकड़ लेता है। सबसे पहली बात बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद आप कह सकते हो कि हाँ अब तो यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, ग्रीन तो बना नहीं है, बट यहाँ पे ये ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद ये नीचे आया है, हाईस को तोड़ा है, यहाँ पे हाई था, आप देखो यहाँ पे हाई था, तोड़ करके यहाँ गया, तोड़ करके यहाँ गया। आज का जो कैंडल है काफी छोटा है यहाँ पे, तो इसको आज के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, भले ही रेड कैंडल बन रहा हो, लेकिन बार बार ये गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है ड्यूरिंग द डे, फिर से ये गैप अप ओपन होता है, हाई को तोड़ता है, फिर से नीचे आता है ड्यूरिंग द डे। तो अभी तक हमें हाई पे क्लोजिंग नहीं मिली है, बट हमें यहाँ पे गैप अप तो देखने मिल गया है। तो यहाँ पे आप इसे कह सकते हो कि ये धीरे धीरे अब ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा अच्छा सा, तो आप और कंफर्म हो सकते हो। ये सब बात होगी कैंडल स्टिक की और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा स्टॉप लॉस आप थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन आप अराउंड 29, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हो तो आप इस लेवल के नीचे अराउंड, ये 30 का लेवल है, 30.25, अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिलता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और ऐसा कि मुझे और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज कि अगर आपको स्टॉप लॉस एकदम छोटा लेना होता है, अगर आपको एकदम छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस काफी होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका इस तरह से स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपका हिट हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर ये ऊपर जाने लगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस यहां पे भी आप दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे गलत स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक लो बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग का लो है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो बुलिश एंगल्फिंग बना है ये काम नहीं किया और ये फेल हो गया, तो इस वजह से आप एग्जिट कर रहे हो। और अगर यहां की बात करें तो यहां पे एक लो बना है,
जहां से मार्केट टर्न हुआ है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल के जैसा काम कर सकता है अगर ये फिर से अप्रोच हुआ तो। तो अगर ये टूटा, ये सपोर्ट लेवल टूटा, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक 30.25, एक 32.30 के आसपास। अब गाइस अगर मैं बात करूं, आप मुझे चूज करने बोलो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ। अब गाइस मेरे तरफ से कोई भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको नहीं बता रहा कि आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर रहा, देखा जाएगा आगे जो भी होगा, बट फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म का टारगेट्स मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म का कहाँ कहाँ पे क्या क्या टारगेट हो सकता है। रिसेंट टारगेट तो यही है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका रिसेंट टारगेट होगा अराउंड 40.5 के आसपास का। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ लास्ट में, टारगेट स्टॉप लॉस साथ में आपको एंटर करना है कि नहीं करना है, एग्जिट करना है कि नहीं करना है। टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट, ये चार चीजें आपको डिसाइड करनी है। और एक चीज स्टॉक भी आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक में किस स्टॉक में जाना है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी है, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, आपका रिस्क है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका हिट होगा, टारगेट होगा हिट होगा तो आपका हिट होगा। अब गाइज ये डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक का, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए एज अ एजुकेशनल पर्पस मैं आपको वीडियो बना के आपको बता रहा था। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करो, कॉल टिप वालों की मत सुनो, मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, जो आपको सही लगता है आप जाओ, सबसे पहले इसमें जाओ, ये सब रीड करो, उसके बाद इसको रीड करो, अगर हो सके तो टेक्निकल में जाओ, चार्ट पैटर्न्स को देखो, समझो, लेवल्स को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद जो आपको सही लगे वो करो। आज के लिए गाइस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। एक और चीज गाइस, ये बहुत रिस्की कंपनी है, तो थोड़ा सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करना। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आज ये 33 है तो कल ये 33 पॉइंट, जैसे आज का प्राइस है 33 पॉइंट, कहां पे गया आज का प्राइस, 33.3 के आसपास का आज का प्राइस है, कल ये 34 जाएगा, फिर 35 जाएगा, अगले दिन 36 जाएगा, फिर 35 आएगा, 37 जाएगा, फिर 40 जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है यहां से ये 33 से हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो बट थोड़ा नीचे भी आए, तो आपको थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ये काफी नीचे आ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क ज्यादा है, तो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि स्मॉल कैप है, मैं फिर से बता रहा हूं, रिस्क इन्वॉल्व काफी ज्यादा होता है इसमें। शेयर कर देना गाइस इस वीडियो को दोस्तों के साथ, और अगर मैंने बोल दिया तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए स्टॉक एनालिसिस के साथ या फिर कोई और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।